हाँ तो गाइस, सतत श्रेणी के लिए हमने समांतर माध्य ज्ञात कर लिया था, कैसे उसकी प्रोसेस होती है वो देख लिया। अब हम बात करेंगे खंडित श्रेणी की, जो कि बायोस्टेटिक्स का अगला पार्ट है हमारा। खंडित श्रेणी जो कहीं से भी शुरू हो जाती है, जबकि एक सतत श्रेणी जो या तो आरोही क्रम में होगी या फिर अवरोही क्रम में होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राप्तांक दिए हुए हैं कुछ बच्चों के और उनकी संख्या दी हुई है। 5 बच्चों के प्राप्तांक 10 हैं, 3 बच्चों के 15 हैं, इस तरह से संख्या दी हुई है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन सी वेरिएबल्स हैं, कौन सी आवृत्ति है। तो यहाँ पे वेरिएबल्स जैसे आप मद बोल सकते हो, आप फिर चर बोल सकते हो, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये तो आपकी आवृत्ति होगी और ये होंगे वेरिएबल्स जो प्राप्तांक है। ठीक है, अब खंडित श्रेणी के लिए याद करने का सूत्र है वही समांतर माध्य ज्ञात करने का, ये किसका है, योग बताता है, यानी कि संख्याएं जुड़ रही हैं। तो इसमें संख्याएं जुड़ेंगी एफ इंटू एक्स, ओके, और यहाँ पे योग हो रहा है आवृत्तियों का, आवृत्तियों एफ का, यहाँ पर जिसे आप एन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंतर क्या है, देखो जो सतत श्रेणी थी उसमें हम माध्यमान निकालते थे वो एक्स होता था, माध्यमान जो कि हम वर्ग का अंतर लिखते थे बीच का, जैसे अगर 10 और 20 है तो उसका माध्यमान कितना होगा, 15, तो उसका गुणा होता था उसकी आवृत्ति से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, डायरेक्ट निकाल देंगे, ये हो जाएगी आपकी एफ इंटू एक्स। 10 का 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 50, 40, 45 और 10। ठीक है, अब देखिए एफ इंटू एक्स इसे योग कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 145। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट की संख्या का योग कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 11। ओके, तो यहाँ पे एफ इंटू एक्स का योग कितना आया है, 145। एफ या फिर एन का योग कितना है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है इनका आया है 5, 2, 7, 3, 10, 11। ओके, यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, इतना आ जाएगा आपका माध्यमान, समांतर माध्य। ठीक है, तो ये कौन सी श्रेणी के लिए है, ये है आपकी खंडित श्रेणी के लिए। और हमने कैसे निकाला है, यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कौन सा वेरिएबल्स है, तो ये आपके वेरिएबल्स हैं या फिर मद बोल सकते हैं या फिर इन्हें चर बोल सकते हो, जबकि आवृत्ति कौन सी हैं, ये हैं, यानी कि 5 स्टूडेंट के मान 10 आ रहे हैं, 3 स्टूडेंट के 15 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब इनका गुणांक कर दीजिए एफ इंटू एक्स का, तो 50, 40 ये इतना आ जाएगा, और लास्ट में ये आ जाएगा आपका योग। ठीक है, ये योग आ गया, जबकि ये आवृत्तियों का योग आ गया, ये 11 है। 11 क्या है, एफ या फिर ये है एन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, एफ एक्स का मान 145 यहाँ रख दिया और आवृत्तियों का योग यहाँ रख दिया, तो ये आपकी समांतर माध्य आ गया। कौन सी श्रेणी के लिए, खंडित श्रेणी के लिए। ठीक है, सतत श्रेणी के लिए केवल इतना अंतर होता था, जैसे ऐसे चलती है सतत श्रेणी, 10 से 20 मान लीजिए, 20 से 30, 30 से 40, तो उसमें हमें चर जो निकालना होता था वो कैसे निकालते थे, हम मध्यमान रखते थे उसका, तब उसका आवृत्ति से गुणा होता था। ठीक है, तो यहाँ पे भी एफ इंटू एक्स ही आएगा, लेकिन एक्स हमने कैसे निकाला है, इनका अंतर, इनका मध्यमान। ठीक है, वो होती है सतत श्रेणी, जबकि ये क्या है, खंडित श्रेणी है। देख सकते हो यहाँ पे कोई भी क्रम नहीं दिखाई दे रहा है प्राप्तांकों में, पहले बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं। तो आई होप गाइस आपको बायोस्टेटिक्स में ये खंडित श्रेणी के लिए समांतर माध्य निकलना समझ में आया होगा। थैंक्स, इफ यू एनी प्रॉब्लम कमेंट डाउन बिलो, आके हम बात करेंगे व्यक्तिगत अन्वेषणों के लिए समांतर माध्य।